नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आ गया हूं एक जबरदस्त कंसेप्ट के बारे में बात करने, जिसे कहते हैं मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। मैं दीपंकर समददार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट, आज आपको झकझोर के रख देने वाला हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोग हमेशा ये सोचते हैं कि मुझे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। दोस्तों, ये मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का कंसेप्ट आजकल सब किसी के दिमाग में बैठा हुआ है। क्या होता है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम? मैं सबसे पहले आपके पर्सपेक्ट में बताता हूं कि आप लोग क्या सोचते हैं। मुझे ये लगता है कि जितने भी लोग सोचते हैं कि मैं एक काम कर रहा हूं उसके साथ में एक और काम कर जाऊं और उस काम से भी मुझे कुछ इनकम हो जाए, इस जगह से मैं पता नहीं कितना कर पाऊंगा लेकिन दूसरी जगह से मैं थोड़ा सा और इनकम कर लूं, ये उनका बहुत रेगुलर सोच रहता है। कोई भी कहीं पे काम करता है फुल टाइम, उसके बाद वो पार्ट टाइम की सोचता है। अगर वो बिजनेस भी कर रहा है तो एक बिजनेस करते करते दूसरे बिजनेस के बारे में भी सोचने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई सर्विस सेक्टर का बात लें, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं अपनी प्रैक्टिस अपने जगह पे कर रहा हूं, उसके साथ में मुझे लगा हाँ यार मेरे एक क्लाइंट हैं जहां पे मैं अपनी गाड़ियां लगा सकता हूं। मैंने गाड़ियां खरीद ली, गाड़ियां खरीद कर वहां पर मैंने लगा दी, वहां पर भी मुझे कुछ इनकम आने लगा। ऐसे कोई और बिजनेस, कोई व्यक्ति आकर मुझे कहता है कि सर माइनिंग का बिजनेस खोलते हैं, मैं सारा चीज देखने वाला हूं, और मैं बिना कुछ ठीक ठाक सोचे समझे मैंने उनको उनके साथ पार्टनरशिप कर ली और माइनिंग के बिजनेस में घुस गया। मैं क्या घुस गया, ये बिजनेस में मेरा समय घुसने लगा, मेरी एक्सपर्टाइज जाने लगी, मुझे वहां पर भी कोई कोई चीजें देखनी पड़ने लगी। ऐसा पॉसिबल अगर हुआ तो उस केस में मैं तो फंस जाऊंगा दोस्तों, क्योंकि फॉर एग्जांपल मेरा काम हमेशा एक्सपर्टाइज और एक्सपर्ट व्यूज आपके ग्रोथ और नॉलेज के लिए डेडिकेटेड है। अगर मैं इस पे पूरा फोकस करूंगा तो ही मैं आगे बढ़ सकता हूं और सामने वाले को और 100 गुना आगे बढ़ा सकता हूं। लेकिन अगर मुझे मेरे दिमाग में माइनिंग घुस गया या मेरे दिमाग में घुसा कि मैं गाड़ी कहीं पर लगा दूं, कहीं पर कोई मैं मशीन पुट कर दूं जिससे मुझे कोई इनकम आ जाए, ये पूरा कंसेप्ट मेरे दिमाग को एंगेज कर देगा और बर्बाद कर देगा जो सारी चीजें हम एक प्रॉपर कंसेंट्रेशन से सोच पाते हैं। मेरा ये कहना है कि हमको हमेशा अपने एक्सपर्टाइज और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए और उसमें पूरा डीपली घुसने की जरूरत है। मैं एक छोटे से कहानी से आपको एग्जांपल बताना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल, 200 मीटर नीचे तेल का एक कुआं है या फिर स्रोत है, राइट? 200 मीटर नीचे तेल का कुआं या स्रोत है। हमें लगा कि मैं एक पहले स्रोत से पूरी खुदाई करने लगा, 150 मीटर तक गया, फिर मुझे लगा यार ये वाला तो चल ही रहा है, यहीं तक रहने देते हैं, इसमें कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है, कुछ तेल यहां पे मिल रहा है। दूसरा एक और मैंने खुदाई चालू कर दी, समझ लो ये दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है, वो भी 50-60 फीट तक खोद के मैं वहां से कुछ इनकम कमा रहा हूं। ऐसे तीसरा, चौथा, पांचवा सोर्स मैंने अपना बना लिया, लेकिन मैं कभी वो जो पूरा झरना है जहां पर अगर मैं एक कंसेंट्रेशन से नीचे तक जाता हूं, पूरे नीचे तक जाता हूं, तो ये जो स्रोत है, जो झरना है, जो अमाउंट ऑफ बेनिफिट, प्रॉफिट आप कह लीजिए, ये पूरा बेनिफिट जो कि मल्टीपल बेनिफिट होता है, वहां तक मैं बिल्कुल पहुंच नहीं पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं अपना जो एक्सपर्टीज है उसमें पूरा नीचे तक जाकर मैं वो खजाना नहीं ले पा रहा हूं जो कि मुझे लेना चाहिए। और ऐसा सिर्फ क्यों है? क्योंकि मैं मल्टी माइंडेड होता चला जा रहा हूं। तो ये जो मेरा मल्टी माइंडेड होना है वो है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोचते रहना। कोई लेडी कहीं पे काम कर रही है, फिर बोलते हैं मैं शाम को टेलरिंग कर लेती हूं, फिर सोचती कि मैं कुछ ट्यूशन पढ़ा लूं। क्यों? आप जो भी काम कर रहे हो उसी काम से रिलेटेड अगर आप फर्दर स्टडी करते हो, उसी में कुछ एक्सपर्टाइज करते हो, आप लोगों को ये पब्लिसाइज करते हो कि मैं जबरदस्त काम इसी फील्ड में कर रही हूं और इस पे इनोवेशन मेरा एक्सपर्टाइज है, मेरा निश है, मैं बेहतरीन काम करके दे सकती हूं, वो सब कर सकती हूं जो दूसरा नहीं कर सकता। अपन अपने बिजनेस के, अपने प्रोफेशन के प्रॉब्लम फाइंडर और सॉल्यूशन प्रोवाइडर एट द सेम टाइम। खाली आप प्रॉब्लम बताओ नहीं होगा, सॉल्यूशन प्रोवाइडर बने। अगर आपको लगता है कि आप इस तरीके का काम ठीक से नहीं कर पा रहे,
कोई दिक्कत नहीं है, हम भी क्लास 1 से 12 और उसके बाद में बाकी हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटेंसी, सारी पढ़ाई हमने LLB सब किया है, उसके बाद जाकर हमने जिम्मेदारी उठाई कि आप लोगों का हेल्प करेंगे हमारे बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट वाले कंसेप्ट के जरिए। उसी तरीके से आप अपने एजुकेशन को, अपने नॉलेज को रेगुलर अपडेशन करके उसमें कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट ला के आप लोगों के प्रॉब्लम को समझ के उसको एड्रेस करिए, तो आप पूरी अपने बिजनेस, अपने प्रोफेशन में पूरी नीचे तक जितना गहरा हो सकता है आप चले जाइए। एक नाम होना चाहिए अगर बिजनेस ग्रोथ के बारे में बात हो तो दीपंकर समद्दार का नाम होना चाहिए। इस तरीके का सोच अगर आप बनाते हैं अपने बिजनेस में तो कोई नहीं रोक सकता आपको। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे बिजनेस ग्रोथ कंसल्टेंसी के जरिए हम लोगों को उनके फुल पावर तक पहुंचाना और उसमें मेंटेन करना, इनोवेट करना और उनके सारे सिस्टम को इस तरीके से डेवलप करके देने की कसम खाते हैं, गारंटी लेते हैं और उनका सहयोग लेते हैं और प्रूफ करके देते हैं कि सामने वाला हमेशा एग्जाम्पल जरूर देगा। मैं दीपंकर समद्दार, मेरा मिशन है कि मैं सारे लोगों को बेहतरीन जानकारी हमेशा समय पर उपलब्ध करा पाऊं, और ये जो मैंने आपसे कहा कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम नहीं हो सकता, ये गलत नहीं है, लेकिन हमको उसके बारे में सोचते रहना हमेशा गलत है। तो याद रखिए, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम पे ध्यान मत दीजिए, सिर्फ अपने बेस्ट पॉसिबल बिजनेस या इंटरेस्ट पे ध्यान दीजिए। हाँ, ये जरूर है कि उससे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या आप सही बिजनेस में हैं, क्या आप वो कर रहे हैं जो आप जरूर करना चाहते हैं। अगर हाँ, तो बिल्कुल आपको इसी काम को एकदम दम से करना चाहिए। याद रखिए, अपनी इंडस्ट्री को पहचानिए जरूर, और मैं बताऊं, जहां पे नई संभावनाएं किसी को नहीं दिखती वहां सोचने की जरूरत है। लोग सोचते नहीं, ये काम करते हैं। दोस्तों, अपन सोचेंगे, काम करेंगे, एक्शन खाली काम नहीं आता, डिसीजन खाली काम नहीं आता, डिसीजन प्लस एक्शन इज इक्वल टू सक्सेस। तो हमको सक्सेस चाहिए, तो आप बेस्ट कंसल्टेंट हायर करिए और अपने बिजनेस को, अपने स्किल को कंटिन्यूअसली ग्रो करिए, ट्रेनिंग लेते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए। ये हमारी शुभकामनाएं हैं। मैं आपको अगले वीडियो में क्या बताने वाला हूं, ये ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल मिस मत करिएगा। मैं खुद बोलता हूं कि दो तरीके की इनकम होती है, एक एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव वो जो मैं अभी कह रहा था, पैसिव इनकम वो है जो हम चाहते हैं कि हम हो ना हो वो इनकम आता रहे, हमारा एफर्ट ना लगे। ये पैसिव इनकम क्या होता है, कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में पूरा जानकारी मैं अगले वीडियो में जरूर देने वाला हूं। तो ये एक्टिव और पैसिव इनकम वाला वीडियो इसके बाद आएगा। एक और वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाने वाला हूं जो कि फैमिली के बारे में कोई बिजनेस वाला सोचता नहीं। आज की विडंबना है, जब हम बिजनेस करने बैठते हैं, पैसे आते रहते हैं तो बुद्धि लगाना छोड़ देते हैं। इंश्योरेंस वाला आया, चलो भाई इंश्योरेंस करा लेते हैं, 5 लाख का प्रीमियम दे दिया, 10 लाख का प्रीमियम दे दिया, जो व्यक्ति जैसा आ रहा है हमारे जेब में पैसा हमने लगा दिया। हमको लगता है कि बच्चे के नाम पे इंश्योरेंस पॉलिसी इमोशनल करके कोई ले गया, हम दे दिए, हमें लगा बच्चों की तरफ हमारा उत्तरदायित्व खत्म हो गया। गलत है, आपको प्लान करने का जरूरत है। ये आपका नहीं, परिवार का भी पैसा है। क्यों? आप परिवार के समय को यूज करके, बेचकर, यूटिलाइज करके आप वो पैसे कमाते हैं। तो फैमिली इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बेहतरीन प्लान देने वाला हूं, आपको पूरा हमारे साथ रहना है। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, सब्सक्राइब जरूर करिए, कंटिन्यूअसली आपके ग्रोथ के बारे में बात करूंगा। हमारे बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट वाले कंसेप्ट में ज्वाइन होने के लिए नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप भी वही है, जरूर कॉन्टैक्ट करिए, अवेलेबल है आप लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।